हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के बहुत ही पुराने और अजीबोगरीब सिक्कों की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पंक्ति में, पहली लाइन में मैं बात करूँ, सिक्का है, बहुत ही रेयर सिक्का है। इसके मेटल की बात करूँ तो ये चांदी से बना है। इसमें एडवर्ड 7 हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं कैमरा फोकस करूँ तो एडवर्ड 7 किंग एंड एडवर्ड एम्परियर 7 इज फीचरिंग ओवर इट्स रियर फेस। ये इसके फ्रंट फेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है। 1 रुपया इंडिया 1 रुपी इंडिया यहाँ पे लिखा गया है, और इसके चारों ओर काफ़ी फ्लोवर्स दर्शाए गए हैं। ये सिक्का 1903 में बनाया गया है इसको। और सबसे ऊपर वाले हिस्से पे बात करूँ तो बहुत ही सुंदर क्राउन बना गया है, जो कि एम्परियर किंग का है। इसका जो मेटल की बात करें तो ये चांदी का है, और इसका रियर फेस काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इसमें एडवर्ड 7 हमें फीचर्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट सिक्के की मैं बात करूं तो नेक्स्ट सिक्का, इसका यदि फ्रंट फेस हम देखें तो इसके फ्रंट फेस पे हमें 1/4 आना लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 1956 से पहले के सिक्कों की मैं बात करूं तो उनमें आम तौर पे हमें आना और पाइस मिलेंगे। जैसा अभी डेसिमल सिस्टम चल रहा है, जैसा पैसे और रुपए अभी फ़िलहाल चलन में है, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी प्रकार 1 रुपया में 64 पाइस हुआ करते थे। बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग है इस कॉइन पे, यदि हम देखें तो, कि 1936 का कॉइन है। यदि इसके मिंट मार्क की मैं बात करूं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसमें देखना, क्योंकि बहुत रेयर कॉइन है ये, 1/4 आना है ये। यदि इसकी मैं कंपेयर करूं रेट तो 4 आना = 25 पैसा होता है, तो 1 आना 25/4 और 1/4 मीन्स 1/4 मीन्स 1/4 आना, तो मतलब 25/16 वह भाग है ये पैसे का। यदि इसका रियर फेस देखें तो हमें जॉर्ज 6 दिखाई देंगे। जॉर्ज 6 क्राउंड हैं और बहुत ही अच्छी इस पे बॉर्डर पे डिज़ाइनिंग है। नेक्स्ट सिक्के की बात करूं तो नेक्स्ट सिक्का 1917 का है। 1 रुपी इंडिया उर्दू में भी लिखा गया है। बहुत ही अच्छी बॉर्डर पे इसकी डिज़ाइनिंग है। यदि इसका मैं रियर फेस की बात करूं तो हमें जॉर्ज 5th किंग एम्परर दिखाई देंगे। ये भी सिक्का चांदी का है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये सिक्का है 1/4 आना, ये है 1939 का। जो हमने पुराना 1/4 आना दिखाया है वो 1936 का था, और उसमें जॉर्ज 5th किंग थे। यदि इसकी मैं बात करूं रियर फेस की तो इसमें हमें जॉर्ज 6th किंग दिखाई देंगे। बहुत ही रेयर सिक्का है ये। यदि इसके मैं मिंट की बात करूं, मिंट वो जगह होती है जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। तो भारत में 4 अलग अलग जगह पे सिक्कों के निर्माण होते हैं, उनमें से मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये फेमस जगह हैं जहाँ इन सिक्कों के निर्माण होते हैं। ठीक है, मुंबई मिट्टी का सिक्का ये दिख रहा है। यदि इसमें गौर से मैं देखूं तो नीचे एक डायमंड सेफ नज़र आ रहा है, तो ये दर्शाता है ये सिक्का बॉम्बे मिंट का है। यदि नेक्स्ट सिक्के की मैं बात करूं, ये सिक्का बहुत ही रेयर है। इस सिक्के में बीच में एक होल है और ये 1 पाइस का सिक्का है। भारत में इन सिक्कों का चलन 1943 से लेकर 1947 तक हुआ था। ये सिक्का सबसे पुरानों में से एक है। आप देख सकते हो 1943 का ये सिक्का है। बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग है, इस पे 1 पाइस लिखा गया है, और सबसे ऊपर बहुत ही गौर से देखें तो हमें एक क्राउन दिखाई देगा। इसके रेयर फेस पे देखें तो चारों ओर बॉर्डर पे उर्दू से डिज़ाइनिंग है। नेक्स्ट सिक्के की मैं बात करूँ तो ये भी एक पाइस का सिक्का है। इस पे आपको एक दौड़ता हुआ घोड़ा दिखाई देगा। इस पे लिखा गया है 1 पाइस, और
1953 का ये सिक्का है, काफ़ी रेयर सिक्का है। इसके रियर फेस की बात करें तो हमें सत्यमेव जयते नेशनल एम्बलम दिखाई देगा, इसके साइड में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत ही 5 पॉइंटेड स्टार है, तो इसका मतलब ये सिक्का हैदराबाद मिंट का है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिक्का है ये, हर एक कॉइन कलेक्टर इसको अपने कलेक्शन में रखना चाहता है। तो ये था आज का हमारा बेस्ट टू बेस्ट और रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कलेक्शन। ऐसे ही और सिक्कों के बारे में जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।